नमस्कार, प्रणाम, पलाक, आप सभी को स्वागत है आपका सुजाता किचन में। मैं हूँ सुजाता। आज मैं लेकर आई हूँ नारियल की चटनी की रेसिपी, जिसे इडली, डोसा, सांभर किसी के साथ भी खाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने लिया है आधा कच्चा नारियल, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और लिए मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च, 1/4 चम्मच राई, आधा बाउल दही, आधा छोटा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार। अब हम लेंगे यहाँ पे मिक्सर जार। जार में हम ऐड करेंगे कटा हुआ कच्चा नारियल, दही, हरी मिर्च तोड़ के डालते हैं, नमक, और लेंगे 1/4 कप पानी। अब इसे पीस लेना है। चटनी हमारी तैयार है, इसे पीस लिया है। अब हम इसे बाउल में डाल देते हैं। गैस ऑन करके बर्तन रख दिया है। 1 छोटा चम्मच तेल, राई, तड़का तैयार है। तड़के को डाल देंगे चटनी के ऊपर। आपके पास करी पत्ता है तो आप यहाँ पे करी पत्ता 5 से 6 करी पत्ता ऐड कर लीजिए। मिला लेते हैं। नारियल की चटनी बनके तैयार है। आप इसे इडली, सांभर, डोसा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो आप भी बनाइए, खाइए, और रेसिपी को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप जुड़े रहें मेरे चैनल से, मेरे साथ। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक बार फिर नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।